नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बिहार इट्टा के ऑनलाइन आयोजन गायक की तैयारी में। आज हमारे बीच सीताराम सिंह हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आप अवगत भी हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड सत्यनारायण सिंह का कल देहांत हो गया। कॉमरेड सत्यनारायण सिंह मूल रूप से खगड़िया जिला के रहने वाले थे और उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा खगड़िया में ही प्राप्त की। इसके बाद वे जिला स्कूल मुंगेर और तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में उच्चतर शिक्षा प्राप्त किए। भागलपुर विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की कानूनी उपाधि प्राप्त करने के बाद वहीं से उन्होंने कानूनी शिक्षा भी प्राप्त की। कुछ समय के लिए वो जगजीवन राम कॉलेज जमालपुर से जुड़े, वहां अध्यापन का कार्य किया और कुछ समय के लिए खगड़िया में जिला वकालत में भी जिला न्यायालय में वकालत की। 1968 में आपने अध्यापन और वकालत का पेशा छोड़कर भाकपा से जुड़े और पूरे जीवन पर्यंत आजीवन भाकपा से जुड़े रहे। 1969 में अब अपने ग्राम पंचायत के मुखिया बने और लगातार 20 वर्षों तक इस पद पे बने रहे। 1980 में आप प्रखंड प्रमुख के रूप में निर्वाचित हुए। 1990 और 95 में आपने चौथम विधानसभा क्षेत्र से भाकपा के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। आप अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विभिन्न पदों पे दायित्वों का निर्वहन किया। जिला सचिव से लेकर राज्य सचिव और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी निर्वाचित हुए। बिहार इप्टा आप जुझारू साथी के निधन पर शोक व्यक्त करती है और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। महासचिव तन्वीर अख्तर। दोस्तों, एक छोटा सा प्रस्ताव है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार के राज्य सचिव और पूर्व विधायक कॉमरेड सत्यनारायण सिंह का पटना एम्स में निधन हो गया। इस वैश्विक संकट काल में एक जनपक्षीय व जुझारू नेता का खोना अत्यंत दुखद है। अपने एक सच्चे शुभचिंतक के निधन से बिहार इप्टा परिवार मर्माहत है। कॉमरेड सत्यनारायण को बिहार इप्टा की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। कॉमरेड सत्यनारायण सिंह को सलाम। दोस्तों, इस शोक प्रस्ताव के बाद हमारी कार्यकारी दल ने ये निर्णय लिया कि आज बिहार का ये कार्यक्रम हम लोग यहीं स्थगित कर दें और कल हम पुनः 7:30 बजे सीताराम सिंह से मिलेंगे। आज का कार्यक्रम हम लोग यहीं स्थगित करेंगे और कल सेम आईडी सेम पासवर्ड पर हम सीताराम सिंह को यहाँ पर गायक की तैयारी के सिलसिले में सुनेंगे। आपको असुविधा हुई होगी, इसके लिए हमें खेद है। फिर कल मिलते हैं 7:30 बजे। धन्यवाद।